जुहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सखुआ आपके लिए लेकर आया हूँ सखुआ भाग 17। इस भाग में आप पढ़ेंगे एक और कहानी। कहानी का नाम है षटकोण जंगल। चलो शुरू करते हैं कहानी। आप इस चित्र में देख रहे हैं एक जंगल में यह झरना बह रहा है। झरने के आसपास बहुत से जानवर हैं, हिरन, हाथी आदि। एक बाज आकाश में उड़ रहा है। झरने पर एक तरफ कुछ शिकारी धनुष बाण लेकर खड़े हुए हैं। इस कहानी में क्या होता है इसे जानेंगे हम इस कहानी में। चलो कहानी पढ़ते हैं। एक घना जंगल था। यह जंगल षटकोण आकार में फैला हुआ था, इसलिए लोग इसे षटकोण वन के नाम से जानते थे। षटकोण वन के बीचों बीच एक झरना बहता था। सभी जानवर इस झरने पर पानी पीने आते थे। इस झरने के आसपास का वातावरण बहुत ही लुभावना था, इसलिए ज्यादातर जानवर झरने के आसपास ही दिखाई देते थे। एक दिन कुछ शिकारी इस जंगल में पहुंच गए। शिकारियों के पास धनुष और बाण थे। वे सभी झरने की तरफ ही जा रहे थे। उन्हें झरने की तरफ जाते हुए आकाश में उड़ रहे बाज ने देख लिया। शिकारी झरने पर पहुंचे। झरने पर हिरनों का झुंड पानी पी रहा था। एक शिकारी ने अपना धनुष निकाला और बाण चला दिया। बाज यह देख रहा था। वह बाण से भी तेज गति से नीचे आया और बाण को अपने पंजे में पकड़ लिया और उसे हिरनों के झुंड के पास नीचे डाल दिया। हिरन समझ गए और जंगल में भाग गए। बाज भी फड़फड़ाते हुए झरने के पास हाथियों के झुंड के पास गिर गया। हाथियों ने देखा कि बाज के पंजे से खून बह रहा है। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें शिकारी दिखाई दिए। हाथी गुस्से से चिंघाड़ते हुए शिकारियों की ओर दौड़ पड़े। हाथियों को अपनी तरफ आते देखकर शिकारी बुरी तरह घबरा गए और वहां से भाग गए। हाथी बाज को जंगल में तपस्या कर रहे एक भगत के पास लेकर गए। भगत ने बाज के पंजे पर मरहम पट्टी की तो बाज कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। इसके बाद उन शिकारियों को जंगल में कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, यह तो थी कहानी। अब इस कहानी से हम सीखेंगे कुछ शब्द, अक्षर और वाक्य। चलो शुरू करते हैं। आप इस कहानी में लाल रंग से लिखे हुए कुछ चिन्हित शब्द देख रहे होंगे। ये शब्द हैं षटकोण, झरना, बाण, भगत। एक बार और दोहराते हैं, षटकोण, झरना, बाण, भगत।
अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चित्र और उनके नीचे लिखे हैं उनके नाम। यहाँ हम चित्रों की मदद से इन शब्दों की पहचान करेंगे। यह षटकोण है और इसके नीचे लिखा है षटकोण। क्या लिखा है? षटकोण। यह क्या है? झरना। और यह नीचे लिखा है झरना। क्या लिखा है? झरना। यह क्या है? बांध। और इसके नीचे लिखा है बांध। क्या लिखा है? बांध। यह क्या है? भगत। और इसके नीचे लिखा है भगत। क्या लिखा है? भगत। शब्दों को एक बार दोहराते हैं। षटकोण, झरना, बाण, भगत। अब आगे हम इन शब्दों से सीखेंगे कुछ अक्षर। यहाँ आप ये शब्द देख रहे हैं। यह लिखा है षटकोण। षटकोण में पहली आवाज क्या है? श। क्या है? श। और यह इसमें जो पहला अक्षर लिखा है वह है श। क्या है? श। और यह नीचे लिखा है वह भी है श। यह लिखा है झरना। झरना में पहली आवाज क्या है? झ। क्या है? झ। और यह इसमें जो पहला अक्षर लिखा है वह है झ। क्या है? झ। और यह नीचे लिखा है वह भी है झ। यह लिखा है बाण। और बाण में अंतिम आवाज क्या है? न। क्या है? न। यह अंत में जो अक्षर लिखा है वह है न। क्या है? न। और यह जो नीचे लिखा है वह भी है न। यह लिखा है भगत। भगत में पहली आवाज क्या है? भ। क्या है? भ। और यह इसमें जो पहला अक्षर लिखा है वह है भ। क्या है? भ। और यह नीचे लिखा है वह भी है भ। चलो इन अक्षरों को दोहराते हैं। श, झ, न, भ। अब पढ़ेंगे हम इन अक्षरों से बनने वाले शब्द और वाक्य। चलो शुरू करते हैं। झर, बाण, उपकरण, हरियाणा, झगड़ा, झाड़ू, कोन, झटका, झड़ी, झपटा, झलक, तामझाम, झरना, झील, कोश, शेष, षड्यंत्र, भय, भगत,
भौंरा, भगदड़, भगाना, भगोड़ा, भरना, भरपेट, भलाई, भविष्यवाणी, भाषा, भार, भिखारी, भागवत, समझदार। भगत भागवत पढ़, भविष्यवाणी मत कर, भलाई कर, झील के किनारे बैठकर तप कर। भरत झील के किनारे वान मत चला, कोष से शेष पैसा भिखारियों में बांट, भरपेट खाना खा और हरियाणा जा। झगड़ा मत कर, समझदारी से काम ले, भौरा फूल पर मंडरा रहा है, यह उपकरण यहां मत रख, षड्यंत्र मत कर, सही बात बता। दोस्तों, आपने इस कहानी से सीखे हैं अक्षर, शब्द और वाक्य। इन्हें आप अपनी कॉपी में जरूर लिख ले और 2-3 बार पढ़ने का अभ्यास कर ले। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को अपने माँ बाबा को सुनाना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। मैं फिर आऊंगा आपके लिए सखवा भाग 18 लेकर। आपका दोस्त सखवा।